खबर महाराष्ट्र से, क्योंकि मुंबई और ठाणे में भी जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक आज यहां बारिश आवत बन सकती है। बीती रात तक मुंबई में भारी बारिश होती रही और अभी भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। ये सिलसिला पिछले 2 से 3 दिन से लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज अगले 6 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई पर खतरा हाई टाइड का भी है। आज दिन में 2 बार हाई टाइड आने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक हाई टाइड के आने पर समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो 24 घंटे में कहां कितनी बारिश होगी, इसका जो अनुमान जारी किया है मौसम विभाग ने, वो भी आप देख रहे हैं। बांद्रा में 201 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो सकती है, तो सांताक्रूज में 159, कुलाबा में 152, राम मंदिर में 130 एमएम बारिश और महालक्ष्मी में 129 एमएम बारिश का अनुमान है। मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के टी सर्कल इलाके की सड़कों पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहां की सड़कें पूरी तरह नदी में तब्दील हो गई है। हालांकि आपको बता दें, जब भी मुंबई में तेज बारिश होती है तो किंग सर्कल के इन सड़कों पर इसी तरह पानी भर जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिलन सब्वे में भी काफी पानी भरा हुआ है, परेल में भी काफी भरा हुआ है। हालांकि राहत की बात है कि हिंद माता में हल्का फल्का पानी भरा था लेकिन वो बाद में निकल गया, लेकिन यहाँ किंग सर्कल के सड़कों पर देख सकते हैं पूरी तरह नदी में तब्दील हुई हुई है। अभी भी आगे करीब 1 फीट से ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। आपको बता दें, बीएमसी हर बार दावे करती है कि जो हालत पहले हुआ करती थी मुंबई की सड़कों का, वो इस बार नहीं होगा, लेकिन जो हालात इस वक्त है उसको देखकर यही लगता है कि जो हालात पहले होते थे मुंबई की सड़कों का, वही हालात इस वक्त भी है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।